बुजुर्गों को पेंशन में राहत, 10,000 रुपए तक मासिक पेंशन दे सकती है सरकार। बड़ी खबर और बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में बड़ा तोहफा मिल सकता है, यानी ब्याज दरों में भी इजाफा हो सकता है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को मेडिकल सुविधा मिले, इस बात की मांग काफी समय से चली आ रही है। पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर अभी अभी की बड़ी खुशखबरी, पेंशन में होगी 30% से बढ़ोतरी और 50% तो आपकी पेंशन 30% से कैसे 50% बढ़ेगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो वैसे में न्यूनतम वेतन लिमिट को लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट मिला है कि न्यूनतम वेतन लिमिट आपका 15,000 रुपए, जिसे कि बढ़ा करके कितना किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश पेंशन को लेकर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार आपकी पेंशन में क्या बदलाव होंगे, तो कैसे आपकी पेंशन बढ़ेगी 30% से 50% और न्यूनतम वेतन का लिमिट जो 15,000 रुपए, जिससे कि खत्म करके नया वेतन लिमिट कितना लागू किया जाएगा और इस अपडेट को लेकर क्या सरकार के द्वारा आधिकारिक ऐलान होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ा मामला काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या पेंशन को लेकर आदेश जारी किया है और आपकी पेंशन में कितना इजाफा होगा। तो ईपीएस 95 लाख पेंशन धारक है, वो पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार करे कि सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करे। तो वैसे में आपकी पेंशन अब कितना बढ़ेगी और इस अपडेट की पूरी सच्चाई को जानेंगे कि क्या आदेश जारी किया है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर दबा देना है ताकि आपको ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस तरह की रोजाना लेटेस्ट ताजा अपडेट देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। ईपीएस पेंशन को लेकर पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखने को मिली है, तो यहाँ पर आपकी पेंशन को लेकर इस तरह की खबर है। तो एनएससी की टीम का नोटिस जारी और पेंशन को लेकर होने जा रहे हैं बड़ा बदलाव। क्या 65 लाख ईपीएस के पेंशन धारक है, उनका फाइनली पेंशन की बढ़ोतरी का सारा इंतजार खत्म हो जाएगा? क्या उनको 1,000 रुपए की जगह पेंशन 8,500 रुपए की मिलेगी राशि, या फिर 7,500 रुपए, या फिर 9,000 रुपए? क्या इन पेंशन की बढ़ोतरी के साथ में उनको क्या डीए का लाभ मिलेगा? तो वैसे में इस अपडेट को लेकर क्या सच्चाई होने वाली है? तो सभी पेंशनधारक यही चाहते हैं कि उनकी मिनिमम पेंशन की राशि में सरकार इजाफा करे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको लेकर वेतन लिमिट है जो आपका 15,000 रुपए, जिसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट मिला है कि नया वेतन लिमिट कितना लागू किया जाएगा और वेतन लिमिट को लेकर आखिरी क्लियर फैसला क्या होने वाला है, वो भी जानेंगे। तो साथ ही आपकी पेंशन ईपीएस को लेकर इस तरह की अपडेट बताई जा रही। साथ ही अगली बड़ी अपडेट आ रही है कि अभी के नियम के अनुसार कर्मचारी जब रिटायर्ड होते हैं तो उनकी पेंशन अंतिम बेसिक का यानी कि सैलरी का जो 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है, तो यही पेंशन की 9,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। तो वही पे फैमिली पेंशन की बात करें तो सरकार की सेवा के दौरान जब यानी कि जो कर्मचारी होता है जो सेवा के दौरान सरकारी जब नौकरी करता है या फिर जो रिटायर्ड होता है तो उसके दौरान वही पे फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारी की सेवा के दौरान जब मृत्यु होती है तो उस समय उस केस में पूरे यानी कि 10 साल तक कर्मचारी के अंतिम बेसिक पे का 50% दी जाती है और उसके बाद 30% पेंशन दी जाती है और ये पेंशन 9,000 रुपए से कम नहीं होती है। तो वैसे में अगर ईपीएस पेंशन की बात करेंगे, साथ ही आपकी पेंशन को लेकर ये पहली बड़ी अपडेट मिली कि पेंशन में ना हो कटौती, इसको लेकर क्या मांग की है और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या जनहित में याचिका दायर की गई है और पेंशन जो कम पेंशन में कैसे पेंशनधारक अपना जीवन यापन करना उनके लिए मुश्किल होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या यानी कि आदेश दिया है तलब, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही पेंशन की राशि 15,000 रुपए की वेतन लिमिट है, उसकी गणना की लिमिट को बढ़ा करके कितना किया जाएगा, तो इन यानी कि सवालों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि पेंशन धारकों के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिसको लेकर वो जानना चाहते हैं कि उनकी पेंशन को लेकर क्या बदलाव होने वाला है, क्या फैसला होने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो पेंशन में ना हो कटौती, कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को जो 10 साल तक बड़ी भी पेंशन यानी कि 50% के हिसाब से दी जाती है, उसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू होती है, तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया कि जब एक बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो जाती है तो 10 साल के बाद 30% करना न्याय संगत नहीं है। 50% बड़ी भी पेंशन के हिसाब से पेंशन भोगी का रूटीन बन जाता है, तो ऐसे में 10 साल के बाद कटौती करना उचित नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को यानी कि जो जनहित याचिका में इस तरह का यानी कि पीआईएल डाली गई थी, तो उसमें कहा गया कि एक अपील डाली गई थी जिसके अंदर एक बार जब पेंशन 50% के हिसाब से मिलना शुरू हो जाती है तो बाद में कम करना उचित नहीं है, यानी कि जो पहले पेंशन 50% मिलना शुरू हो जाती है 10 साल तक, तो उसको बाद में कम नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह की मांग की गई है। तो कम पेंशन में पेंशन धारक अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, तो कम पेंशन में पेंशन धारक अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं तो जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। तो किसी सैनिक की मृत्यु के बाद जब विधवा या आश्रित को पेंशन फैमिली पेंशन दी जाती है ताकि वह मृत सैनिक के परिवार के उन सभी सदस्यों का भरण पोषण कर सके जो कि उनके जीवन काल के दौरान उस पर निर्भर थे, तो हालांकि पेंशन में इतनी कमी होने के बाद यानी कि जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है काफी, जो पेंशन 30% मिलती है 50% से सीधा ही घट करके। तो याचिका में वकील ने दलील की थी कि सरकार की यह पेंशन की नीति मनमानी पूर्ण है और अन्यायपूर्ण है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 अनुच्छेद के तहत यानी कि मृत सेवा कर्मियों को विधवाओं को आश्रित पेंशन
पेंशन के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया था यह तलब। वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन धारकों की कठिनाई को देखते हुए क्यों ना आजीवन पर्यंत पेंशन 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके बाद इसके साथ ही इनकी न्यूनतम फैमिली पेंशन 9000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए भी किया जाए, तो इस तरह की मांग की गई है। तो इस तरह का अपडेट होने वाला है जो पेंशन धारक है उनके लिए। अगली अपडेट जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, जो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों का भी दर्द सामने आया है। पेंशन धारकों ने एनएससी की टीम से मुलाकात की और क्या नोटिस में कहा गया है, तो जो असंगठित क्षेत्र के कामगार बुजुर्ग पेंशन धारक है, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनका कमाई का जरिया सिर्फ पेंशन होती है, तो रिटायरमेंट के बाद कमाई का जरिया का जो पेंशन 1000 रुपए का मिलता है, तो उनसे वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने सभी ने मांग की है कि सरकार जो 1000 रुपए की पेंशन की राशि देती है उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो वैसे में जो पेंशन धारकों ने आगे मांग की है कि जो सरकार उनको 1000 रुपए की पेंशन की राशि देती है तो उनसे उनका जीवन यापन नहीं हो पाता है, तो उनके लिए भोजन की भी आवश्यकता होती है, और 1000 रुपए की पेंशन से उनको वस्त्र भी खरीदना पड़ता है, और 1000 रुपए की पेंशन से उनको आवास भी यानी कि खरीदना पड़ता है, तो उनके लिए आवास की भी जरूरत होती है रहने के लिए, और मेडिकल की सुविधा भी उनको बुढ़ापे में जरूरी। तो ये सारी सुविधाएं वो 1000 रुपए की पेंशन से कैसे ले पाएंगे, तो पेंशन धारकों ने कहा है कि सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करे। जो संसद विधायक है उनको जो सरकार प्रत्येक टर्म की सामाजिक सेवा भी देती है, साथ में मोटी रकम पेंशन के रूप में भी देती है, और जीवन भर सुविधाएं वो भी यानी कि जीवन भर सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है, जबकि इस सुविधा के लिए जो उन्होंने अंशदान भी नहीं किया है, जिन पेंशन धारकों ने अंशदान किया उनके बावजूद भी जिनको पेंशन की राशि में 1000 रुपए की दी जाती है। तो गरीब और बूढ़े पेंशन धारकों ने आगे कहा है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सूखी रोटी खाकर के गुजारा करने वाले इन कामगार बुजुर्गों को अंशदान करने के बावजूद भी जो 1000 रुपए का पेंशन दिया जाता है, जिसके चलते उन्हें गरीब बूढ़े पेंशन धारकों को पेंशन धारकों की कोटी में रखा जाता है और उनसे सारी सुविधा भी छीन ली जाती है, जो कि देश के अन्य गरीब लोगों को सरकार यानी कि गरीब बूढ़े पेंशन धारकों को चटाती है, जो अजब का खेल है। इस गजब के लोकतंत्र के अंदर जिन कर्मचारी पेंशन धारक है जिन्होंने अंशदान किया है, योगदान दिया है, लेकिन फिर भी उनको जो पेंशन की राशि कम मिलती है। अगली बड़ी अपडेट ईपीएफओ से मिली है, आपकी पेंशन के वेतन लिमिट को लेकर सरकार कर्मचारी को बड़ी राहत देने की तैयारी करी है। इसके लिए कर्मचारी वसंती संगठन ईपीएफओ के तहत सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की योजना बताई जा रही है, तो इसके तहत पीएफ खाते में योगदान के लिए न्यूनतम वेतन का यानी कि सीमा है जो 15000 रुपए की लिमिट, जिससे कि बढ़ा करके 21000 रुपए भी किया जा सकता है। तो इस मामला का मतलब यही होगा कि सीधा ही आपका पीएफ और पेंशन खाते में अधिक राशि जाएगी। और इस प्रस्ताव को लेकर काफी लंबे समय से पेंशन धारक मांग भी करे थे, लेकिन यह प्रस्ताव पिछले काफी लंबे समय से लंबित पड़ा था, तो प्रस्ताव पर दोबारा विचार शुरू हो चुका है। तो पीएफ के लिए सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी। तो इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि हम सभी विकल्प है जो पेंशन धारकों की मांगे इनको लेकर मूल्यांकन कर रहे हैं, और नई सरकार आएगी केंद्र के अंदर उसके द्वारा इस संबंध में निर्णय भी लिया जा सकता है, इस तरह की जानकारी मिली है। लेकिन कन्फर्म यह नहीं कहा गया है कि जो केंद्र के अंदर नई सरकार आएगी वो पेंशन को लेकर यह फैसला लेगी, लेकिन अनुमान ऐसा किया जा रहा है कि जो केंद्र के अंदर नई सरकार आएगी उसके द्वारा निर्णय भी लिया जा सकता है। तो ऐसा करना एक सामाजिक सुरक्षा की प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत भी कदम होगा। अधिकारी के अनुसार वेतन सीमा बढ़ाने से सरकार और निजी क्षेत्र दोनों पर भारी वित्तीय प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन लाखों श्रमिकों को फायदा भी होगा, क्योंकि अभी वेतन लिमिट आपका 15000 रुपए से यानी कि अधिक नहीं है। तो वैसे में अगर अधिक आपका वेतन लिमिट होता है तो फिर अधिक कर्मचारी भी नए जुड़ पाएंगे, तो उनको भी फायदा होगा, लाखों श्रमिक को नए जुड़ पाएंगे। साथ ही बात करें तो आपका वेतन लिमिट बढ़ा करके 21000 रुपए किया जाता है, तो आपका कितना योगदान होगा तो आइए समझते हैं। जैसा कि वर्तमान में 21000 रुपए का जो मूल वेतन लागू किया जाता है, तो वैसे में आपका योगदान होगा पीएफ में जो 2520 रुपए, और इसी तरह 15000 रुपए का जो सैलरी से 1800 रुपए होता है, वही नियोक्ता भी इतना ही योगदान करेगा, जिसमें कि 1749 रुपए पेंशन खाते में जाएंगे और शेष की राशि 771 रुपए की पीएफ खाते में जमा होगी। तो इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट मिली है, लेकिन अधिकारी कोई भी पेंशन ईपीएस की राशि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई आदेश नहीं जारी हुआ, न ही सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है, न ईपीएफ से कोई ऐसी अधिकारी की जानकारी मिली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की बहुत सारी खबरें मिल रही है, लेकिन अधिकारी कोई भी अपडेट आपकी पेंशन को लेकर जारी नहीं हुआ है।